हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHDS 183 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर। जैसे कि गाइज, आज इस सब्जेक्ट का सेकंड क्लास है, इससे पहले एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग देख चुके हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। इसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है BHDS 183 के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ मिल जाएगा। आप उस लिंक से आसानी तरीके से सारी की सारी क्लासेस कर सकते हैं। ओके, चलिए आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जिसका क्वेश्चंस देखिए आपके सामने हैं। अनुवाद के पुनरीक्षण की आवश्यकता एवं प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। देखिए, अनुवाद के जो है ना, हम लोग पिछले वाले सेशन में उसके अर्थ देखे थे, यानी कि अनुवाद के अर्थ के बारे में जाने थे। ओके, तो अब इस बार जो है ना, अनुवाद को जो है ना पुनरीक्षण मतलब होता है कि इसको दोबारा देखना, यानी कि दोबारा क्यों आवश्यकता पड़ी इसको अनुवाद के बारे में, इसको जानना, इसकी प्रक्रिया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में जानेंगे। ओके, चलिए आप सभी जो उत्तर देखिए, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें कहा जाता है 20वीं सदी को अनुवाद का युग कहा गया है, यानी कि 20वीं सदी जो चल रही थी उसको अनुवाद का युग कहा गया है। यद्यपि अनुवाद सबसे प्राचीन व्यवसाय या व्यवसायों में से एक कहलाता है, यानी कि यद्यपि जो है अनुवाद जो है सबसे प्राचीन एंशियन व्यवसाय, यानी कि पुरानी, सबसे पुरानी व्यवसायों में से एक कहलाता है। कौन? अनुवाद। उसके बाद कहता है, तथापि उसे जो महत्व 20वीं सदी में प्राप्त हुआ वह उससे पहले उसे कभी नहीं मिला था, यानी कि जो 20वीं सदी में जो युग कहा जाता है अनुवाद का युग, उससे पहले जो अनुवाद हुआ करता था लेकिन उसको जो है ना उतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उससे खासा जो है उसका महत्व नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये बातें हैं। उसके बाद आगे है, ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है, वर्तमान युग में अधिकतर राष्ट्रों में यदि एक भाषा प्रधान है तो यह एक या एक से अधिक भाषाएं गौण पर दिखाई देती है, यानी कि जो ना अधिक वर्तमान समय जो प्रेजेंट टाइम में जो ना ये राष्ट्रों में, यानी कि देश में एक भाषा प्रधान है, जैसे अभी हिंदी प्रधान है। उसके बाद इसके साथ साथ जो ना एक अलग भी भाषाएँ प्रधान है, एक या एक से अधिक भी भाषाएँ जो है ना वो प्रधान है, जो मतलब भाषाएँ गौण पर दिखाई दे रही है। गौण मतलब कि जो मूल रूप से उसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न प्रकार को, तो वो दिखाई देते हैं। और दूसरे शब्दों में कहते हैं कि एक राजनीतिक प्रशासनिक इकाई किस सीमा के अंतर्गत भाषाई बहुसंख्यक भी रहते हैं, यानी भाषा के बारे में कहते हैं। ये अलग अलग तरीके से बहुत सारी इसकी संख्याएं हैं, जैसे कि भारत में जो है टोटल 1600 के आसपास भाषाएँ बोली जाती है। ठीक है, उसके बाद और भाषाएँ अल्पसंख्यक भी है, इसकी भाषाएँ जो है अल्पसंख्यक भी है। और लोकतंत्र में सब लोगों को प्रशासन में समान रूप से भाग लेने का अधिकार सभी सार्थक माना जाता है, यानी लोकतंत्र में जो है लोगों का जो भी प्रशासन के नियम होंगे समान रूप से जो है बेसिकली जो है उसके भाग जो है सभी रूप से सभी अधिकार जो है वो नॉर्मल होती है, सभी कोई भी भाग ले सकता है। और उसके साथ उनकी भाषा के माध्यम से संपर्क किए जाते हैं। ठीक है, और उसकी बहुभाषिकता की उत्पत्ति स्थिति उत्पन्न होती है, और इसके संरक्षण की प्रक्रिया में अनुवाद कार्य का आश्रय लेना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, इसकी जैसे कि अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं जो बहुत प्रकार की भाषाएं होती है, उसकी स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है, उसके संरक्षण के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो है अनेक प्रकार के जो है कार्य का आश्रय देना अनिवार्य हो जाता है। उसके बाद कहा जाता है, इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी तथा साहित्य और सांस्कृतिक स्तर पर बढ़ते हुए आदान प्रदान के कारण अनुवाद कार्य की अनिवार्यता और महत्ता की नई चेतना प्रबल के रूप में विकसित हुई होती हुई दिखती है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल के स्तर पर, आप ऐसा नहीं है ना कि सभी देश में सिर्फ हिंदी भाषा ही बोली जाती है, जैसे अपना प्यारा देश भारत में हिंदी भाषा बोली जाती है, US में अंग्रेजी, और सभी देश में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो है चाहे आपका राजनीतिक स्तर पर हो, आर्थिक स्थिति पर हो, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, साहित्य, ये सभी चीज़ों पर जो है उसकी अलग आदान प्रदान करने के लिए, जैसे आप मान के चलो अगर डोनाल्ड ट्रंप ही आए, अगर भारत आया था, तो भारत आया था ना, तो उसमें जो है ना आपका डोनाल्ड ट्रंप जो वो तो आप हिंदी नहीं जानता है, फिर भी बहुत कुछ हिंदी बोलने की कोशिश तो किया था। ओके, तो ये बातें कही जा रही है कि राजनीतिक स्तर पर जो है अनुवाद किया जाता है, यानी कि आप जो है बहुत सारे ऐसे मान के चलो ही प्रधानमंत्री अपना श्रीमान्य नरेंद्र मोदी जी हैं, अगर विदेश जाएंगे तो उसकी भाषाएं उसको सही तरीके से नहीं आती है, उसके लिए करता क्या है, एक स्टाफ को रखा जाता है जो दोनों भाषाएं बोल सकते हो, एक हिंदी भी और उसके देश के जो भाषाएं बोली जाती है उसमें, ताकि उसको जो ट्रांसलेट करके उसको प्रधानमंत्री से बात करवाया जाता है। तो ये बातें कही जाती है, उसके अनुवाद किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आके कहा जाता है, उसके बाद महत्ता की नई चेतना प्रवल से विकसित होती हुई दिख रही है, उत्तर आधुनिक युग में अनुवाद की महत्ता व उपायदेयता को विश्व भर की स्वीकारक किया जा चुका है, यानी कि उत्तर आधुनिक युग में जो है ना अनुवाद की महत्ता को काफ़ी ज़्यादा विश्व भर की स्वीकारा जा चुका है। उसके बाद कहा जाता है, वैदिक युग के
पुनः कथन से लेकर आज के ट्रांसलेशन तक आते आते अनुवाद सब अपने स्वरूप और अर्थ में बदलाव लाने के साथ साथ अपनी बहुमुखी व बहुआयामी परियोजन को सिद्ध कर चुका है। यानी वैदिक युग आते आते जो है ना इसके पुनः कथन जो है दोबारा से कथन से आज से लेकर जो है ना इसकी ट्रांसलेशन तक आते आते जो है ना यानी कि शुरुआती तौर पर इसका अनुवाद हुआ करता था, अब जो अंग्रेजी दौर है इसका ट्रांसलेशन आने लगा तो ये धीरे धीरे जो है इसका अर्थ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने लगा था। का एक तो अर्थ में बदलाव होता ही था, इसके साथ साथ जो है इसकी अलग बहुत ही प्रकार के इसके आयामों भी आयाम के परियोजन के लिए सिद्ध मतलब प्रूव होने लगा था। इसके अनुवाद की जो है ना बहुत बहुत प्रकार के आयाम के तरह सिद्ध होने लगा था। उसके बाद आगे कहा जाता है प्राचीन काल में स्वायत्ता सुखाय माना जाने वाला अनुवाद कर्म आज संगठित व्यवसाय का मुख्य आधार बन गया है। ओके, आज विश्वभर में अनुवाद की आवश्यकता जीवन हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में आवश्यक महसूस की जा रही है और इस तरह अनुवाद आज के जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गया है। यह अनुवाद के बारे में कहा जा रहा है ये जीवन के लिए एक बहुत ही मतलब जीवन का एक पार्ट बन गया है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में अनुवाद की ज़रूरत होती है। आप विदेश जाओगे तो वहाँ पर आप सही तरीके से उसकी भाषा ही नहीं समझ पाओगे। आपसे कोई ऐसे अगर माने विदेश के अपना देश में ही आप मान के चलो आप इधर बिहार साइड के हो, आप जैसे केरला चले जाओगे तमिलनाडु चला जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। तो ये हर क्षेत्र में जो है किसी ना किसी प्रकार से ये महसूस होने लगती है, इसके अनुवाद का जो है कमियां महसूस होने लगती है कि नहीं कहीं ना जो है ना कुछ हमें हिंस मिल जाता। तो ये बातें हैं ठीक है। उसके बाद अनिवार्यता के रूप में हम लोग को सह उसके आगे कहा जाता है साहित्य अनुवाद का भाषा के विकास की दृष्टि से भी महत्व है। कहा जाता है कि साहित्य जैसे होते हैं उसमें भी अनुवाद के लिए भाषा में जो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसकी दृष्टि से भी इसका महत्व है। अनुवाद के प्रसार से विभिन्न देशों की भाषाएं अन्य भाषाओं से शब्दावली प्राप्त करती है ताकि सार्थक अनुवाद का प्रयोजन सिद्ध हो सके। ओके, अनुवाद के प्रयोजन से अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करने के लिए मूल जहाँ अंगीकरण की प्रवृत्ति झलकती है वहीं अनुकूलन की प्रवृत्ति भी नज़र आती है। तो ये बातें कही जा रही है अनुवाद के बारे में ठीक है। तो ये बातें कही जा रही है। उसके बाद आगे कहा जाता है साहित्य के अनुवाद का इतिहास काफ़ी प्राचीन रहा है। यानी साहित्य के जो अनुवाद हैं उसके इतिहास जो ना बहुत ही पुरानी रही है, प्राचीन रही है। और ये अनुवाद ने न केवल विभिन्न साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बल्कि भाषा के विकास में भी इसका योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसके जो ना साहित्य के बारे में कहा जाता है साहित्य में जो प्रोग्रेस किया है इसकी भूमिका जो है इसमें भूमिका एक तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ही है और इसके साथ साथ जो है ना इसके विकास में भी काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है और हम लोग इसके विकास के लिए नकार नहीं सकते कि नहीं ये काम नहीं किया, ये विकास नहीं किया, इसके बारे में हम लोग नहीं कर सकते हैं ठीक है ना। विश्व के विभिन्न साहित्य के बीच जो परस्पर आदान प्रदान हुआ वो अधिकांशतः अनुवाद के माध्यम से ही हुआ है। विश्व के स्तर पर जो आदान प्रदान होती है जो आपके मान के चलो आपका कोई व्यवसाय ही करेंगे तो आप आदान प्रदान करने के लिए अनुवाद चाहिए। जैसे अभी जस्ट बताए ना सभी देशों की अलग अलग भाषाएं होती है तो ये बातें कही जा रही है। ओके, इसके माध्यम से अन्य भाषाओं के साहित्य का अध्ययन करने से जिन नहीं अभिव्यक्तियों के संवेदना विचारों जीवना अनुभूतियों और साहित्य शैलियों का परिचय मिलता है। यानी कि ये अनुवाद की साहित्य भाषा के अनुसार जो ना हम लोग उसके अध्ययन के बारे में साहित्य का अध्ययन से हम लोग ये पता चल जाता है इसके बारे में ये मतलब उसकी संवेदना क्या है, विचार कैसी है उसकी, उसकी जीवन अनुभूति कैसी है, उसकी साहित्य शैली का परिचय उसके बारे में हम लोग मिल जाती है और वह हमारे जीवन के साथ साथ हमारी चिंतन शक्ति और साहित्य सृजना को भी प्रभावित करती है। ये जो है इसके साथ साथ हम लोग को जो जीवन हमारी जो चिंता होती है, पावर होती है, साहित्य सृजना होती है उसको भी प्रभावित करती है। विभिन्न भाषाओं के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन में भी अनुवाद से काफ़ी सहायता मिलती है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में साहित्य के अध्ययन के अनुवाद का महत्व आज व्यापक हो गया है। एक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से क्षेत्र में जो भी ये साहित्य का अध्ययन का अनुवाद भी काफ़ी ज़्यादा महत्व हो गया है। ओके, ये अनुवाद जो ना धीरे धीरे पूरा लगभग क्षेत्रों में फैला हुआ है जैसे साहित्य हो गया, राजनीतिक हो गया, सभी चीज़ों में, विदेशी हो गया, इंटरनेशनल हो गया, सभी चीज़ों में बढ़ने लगा। ओके, साहित्य यदि जीवन और समाज में यथार्थ को प्रस्तुत करता है तो विभिन्न भाषाओं के साहित्य के सामूहिक अध्ययन से भी किसी भी समाज, देश या विश्व की चिंतन धारा एवं संस्कृति की जानकारी मिलती है। यानी साहित्य के यदि जीवन और चिंतन के बारे में हम लोग यथार्थ उसकी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे तो हमें इसके बारे में जो है सामूहिक समाज का अध्ययन, उसके बाद किसी समाज भी देश या विश्व के स्तर पर उसकी चिंताएँ संस्कृति ये सभी जानकारी मिलती है। अनुवाद के लिए जो हम लोग को तीन साहित्य मतलब कुछ महत्वपूर्ण साहित्य हैं जो निम्न हैं जैसे कि आप करते हैं भारतीय साहित्य का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अध्ययन और तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन। और आगे कहा जाता है भारतीय साहित्य के अध्ययन से यह पता चलता है कि विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक आंदोलनों में हिंदी एवं हिंदीतर भाषा के साहित्यकारों का स्वर प्रायः एक जैसा रहा है। यानी कि भारतीय साहित्य में यह कहा जाता है उसके अध्ययन के बारे में यह पता चलता है यहाँ की सांस्कृतिक यहाँ साहित्यिक राजनीतिक आंदोलन का ये हिंदी तरीके से जो ना इसमें एक जैसा है सभी चीज़ों का साहित्यकार ठीक है। इसके बाद मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन तथा नक्सलकारी आंदोलन का प्रायः सभी
सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य में अभिव्यक्ति मिली है। ठीक है, ये सभी आंदोलनों पर भी ये भाषा से जो है ना साहित्य की अभिव्यक्ति मिली है। ओके, उसका जैसे संधि किया गया, सभी आंदोलनों के बाद जो है संधि करके इसको रोका गया, तो उसमें भी भाषा का जो है काफ़ी ज़्यादा सदुपयोग हुआ। उसके बाद आगे कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साहित्य के अनुवाद से ही यह तथ्य प्रकाश में आया कि दुनिया की विभिन्न भाषाओं से लिए गए साहित्य ज्ञान का विपुल भंडार छिपा हुआ है। यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल साहित्य के अनुवाद से ही हमें प्रकाश में डाला गया, यह नज़रों में छाया गया कि अनुवाद तो बाहर जो है दुनिया में आया कि दुनिया में जो है अलग अलग भाषाएं जो है लिखे गए हैं और साहित्य में इसका विपुल जो है काफ़ी भंडार जो है ये विलुप्त हो चुका है, छिपा हुआ है। उसके बाद भारत में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य का अनुवाद तो भारत में सूफियों के दार्शनिक सिद्धांत का प्रचलन के साथ ही शुरू हो गया था। ठीक है, उसके बाद किंतु इसे व्यवस्थित स्वरूप आधुनिक युग में ही प्राप्त हुआ। इसका जो ना इसका स्वरूप जो ना आधुनिक युग में यानी कि 20वीं शताब्दी के आसपास जो है इसको माना गया। उसके बाद कहता है शेक्सपियर, डीएच लॉरेंस, मोमांसा तथा सार्थक जैसे चिंतकों की रचनाओं के अनुवाद से भी भारतीय जनमानस का सत्यकार हुआ और कालिदास, रविन्द्रनाथ टैगोर एवं प्रेमचंद की रचनाओं से विश्व प्रभावित हुआ। ये जो ना कुछ आपका चिंतकों के बारे में, लेखकों के बारे में बताया है, वो अनुवाद से भारतीय जनमानस का सत्यकार हुआ और जो भारत के जो कालिदास हो गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, इसके जो ना विश्व प्रभावित हो गया, विश्व जो है इसमें इसको विश्व लोग जाने लगे, इसकी पुस्तक जो विश्व भर में प्रचलित हैं। उसके दुनिया के विभिन्न भाषाओं के अनुवाद द्वारा ही तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन से सहायता मिलती है। तुलनात्मक साहित्य द्वारा इस बात से पता चलता है कि देश, काल और समय की दुनिया के विभिन्न भाषाओं के अनुवाद द्वारा ही तुलनात्मक साहित्य के अध्ययन में सहायता मिलती है। देखिए, तुलनात्मक माध्यम से ही आप लोग अगर तुलना करेंगे ना तो इसे ज़्यादा बेटर समझेंगे। अगर मान के चलो आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप खुद को कंपेयर करने लगे टीचर से ना, तो आप ज़्यादा सीखने की कोशिश करोगे, ज़्यादा सीखोगे। तो वह बातें कही जा रही है कि अलग अलग देशों के जो कवियों का निबंध हो गया, कविता हो गया, और अपना इंडियन के कविताओं के साथ जो ना तुलना किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कुछ अलग देखने को मिलती है और कुछ ज़्यादा नया कुछ सीखने को मिलती है। तो ये बातें कही जा रही है तुलनात्मक साहित्य द्वारा इस बात का पता लगाया जा सके। ठीक है, ये बातें कही जा रही है अनुवाद के द्वारा ही जो तुलना है और तुलनात्मक अध्ययन का विषय बनता है। और प्रेमचंद और गोर्गी निराला और इलियट तथा रामकमल चौधरी एवं मोमांसा के साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन अनुवाद के फलस्वरूप ही संभव हो सका है। ठीक है, तो ये बातें कही जाती है। उसके बाद आगे कहा जाता है, अनुवाद भारतीय साहित्य की एकता के उद्घाटन के रचनात्मक भूमिका निभाता है। यानी कि अनुवाद जो है भारतीय साहित्य में एकता के रूप में, उसके जो है एकता होती है ना, एकता के रूप में रचनात्मक भूमिका निभाता है। और भारतीय साहित्य वास्तव में विभिन्न भारतीय भाषाओं में सृजित साहित्य का सामूहिक नाम है। ओके, ये बातें कही जा रही है। उसके बाद कहता है, यह हिंदी साहित्य के उन सभी भारतीय भाषाओं का साहित्य जो इस देश में बोली और लिखी जाती है। इसमें भारत की संस्कृति, समाज और उसकी संवेदना भी विविध रूपों में अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, संस्कृति और दर्शन के रूप में व्यापक भारतीय आधार एक समान है। यानी कल्चर के रूप में, दर्शन के रूप में जो है ना, ये भारतीय आधार पर मैंने इसका व्यापार जो है ना, व्यापक भारतीय आधार पर एक समान है, मिलता जुलता हुआ है। यह आधार साहित्य की चेतना को जोड़ता है, यह आधार जो है ना साहित्य की चेतना को एक साथ जोड़ता है। इसलिए अनेक भाषाओं में लिखे जाने पर भी भारतीय साहित्य एक ही है। ठीक है, ये बातें कही जा रही है। रामायण महाभारत के बारे में आपको बताया जा रहा है। ठीक, इसमें कहता है, हिंदी, बंगला और मराठी आदि विभिन्न आर्य भाषाओं पर ही नहीं बल्कि तमिल, तेलुगु आदि द्रविड़ भाषाओं पर भी है जो है जैसे देखिए, अब देखते होंगे अभी बहुत सारे आपका साउथ इंडियन मूवीज हो गया, उसके बाद बॉलीवुड का मूवीज हो गया। अब करता क्या है, जैसे कि साउथ इंडियन मूवी जो ना उसको एक साथ 3 से 4 भाषाओं में, 3 से 4 लैंग्वेज में रिलीज किया जाता है। आपका हिंदी, मलयालम, तेलुगु, उसके बाद आपका इंग्लिश, ये सभी भाषाओं में एक साथ करा जाता है, मतलब अनुवाद करके इसको कराया जाता है। उसी तरह बताया जा रहा है, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, ये प्रभाव हिंदी, बंगला, मराठी सभी भाषाओं में ये प्रचलित बनाया हुआ है। ठीक है, तो यही बातें कही जा रही, अनुवाद यही अनुवाद है। हालांकि प्रत्येक भाषा में रचित साहित्य की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ओके, सभी भाषा में जो अलग अलग प्रकार अपने अपने साहित्य के जो विशेषताएं हैं, संवेदना के अपने अपने संदर्भ और अभिव्यक्ति की प्रणालियों में भी भिन्नता के बावजूद भीतर से यह मूलभूत एकता का बिंब प्रस्तुत करता है। इससे जो समग्र चित्र उभरता है वही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान का द्योतक है। ओके, यही इसी कारण गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारतीय साहित्य की भावना को अपना समर्थन दिया। इस परिप्रेक्ष्य में भारतीय साहित्य परिषद का स्थापना भी की गई। तो ये सभी बातें हैं, समझ रहे हैं ना। उसके साहित्य अकादमी की स्थापना के मूल मूल में भी
भारतीय साहित्य की भावना को समर्थन देना नहीं था, भारतीय साहित्य को जोड़ना और महत अनुवाद से संभव हुआ। ये सभी जो है ना अनुवाद से ही संभव हो पाया है। जैसे आपका जो है ना भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना हुई, इसके बाद आपका साहित्य अकादमी की स्थापना हुई, तो ये सभी जो है ना आपका सब पॉसिबल हुआ तो अनुवाद के माध्यम से ही हुआ है। उसके बाद भारतीय साहित्य को जोड़ने का महत्व कार्य अनुवाद से ही संभव हुआ है। और उसके बाद सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य को उनकी भाषा में ही पढ़ना और समझना संभव नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद अनुवाद इसका सार्थक समाधान क्या है। अब जैसे मान के चलो आप इंग्लिश ही हैं, इंग्लिश का आप हिंदी अनुवाद करते हो तो आपको आसानी तरीके से समझ जाते हो, तो ये बातें कही जा रही है। अनुवाद के माध्यम से ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की विद्रोही कविताओं को बंगला में नजरुल इस्लाम का विद्रोही कविता के धरातल पर समानता में देख सकते हैं। यानी कि कही जा रहा है कि जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो ने एक कविता लिखा था और उसे वो हिंदी में लिखा था, उसके बाद जो है बंगला में भी नजरुल इस्लाम ने उसको अनुवाद करके बनाया और वो पब्लिश किया। तो ये बातें हैं अनुवाद के बारे में, ठीक है ना, अनुवाद की पुनरीक्षण के बारे में, इसकी आवश्यकता के बारे में। तो आज के सेशन में हम लोग एक क्वेश्चन को देखें और आज एक ही क्वेश्चन को रखेंगे और बहुत ही जल्द नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएंगे हमारे साथ, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं 3 नंबर उसके बाद आगे भी आएगी, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल में अगर न्यू हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करना क्या है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्या करना है आपको, वीडियो पसंद है तो लाइक करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना है और उसके बाद अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है और हम लोग नेक्स्ट सेशन में ज़रूर मिलना है। उसके लिए हम अभी तत्काल जा रहे हैं, उसके बाद मिलेंगे कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।